नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच गुरुवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों में 8 संशोधन करने की बात कही, तो वहीं किसान इन कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े रहे। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई, सरकार के अंदर कोई अहंकार नहीं है, किसानों की मांगों पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ उन्होंने एक बार फिर कहा कि MSP है और हमेशा रहेगी। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक 5 दिसंबर को होगी। किसानों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को 9वें दिन भी जारी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार विरोध प्रदर्शनों के चलते दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली कई सड़कों को बंद करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। सिंघू, लामपुर, ओचंदी, साफियाबाद, प्याऊ, मनियारी और सबोली बॉर्डर को बंद किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को भी दोनों तरफ से बंद किया गया है। इसके अलावा टिकरी और झरोदा बॉर्डर को भी बंद किया गया है। आज ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में BJP को बढ़त मिल रही है। सुबह 10 बजे तक BJP 74 सीटों पर आगे है, जबकि TRS 31 सीटों पर आगे है। वहीं AIMIM 13 सीटों पर आगे है और एक सीट जीत चुकी है। कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे है। RBI ने EMI में आम आदमी को राहत नहीं दी है। रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। बता दें, मई के बाद से ही रेपो दर यानी प्रमुख ब्याज दर, जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है, में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसको 19 साल के निचले स्तर 4% पर स्थिर रखा गया है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट यानी जिस पर RBI बैंकों से उधार लेता है, को 3.35% पर ही रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 21 साल के जिस मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत हुई है, उसके परिजन का दावा है कि महिला के रिश्तेदारों ने पुलिस के दबाव में केस दर्ज कराया है। बरेली ग्राम प्रधान ध्रुवराज समेत कई लोगों ने इस मामले पर हैरत जताई। कहा, यह मसला तो दोनों परिवारों के बीच सुलझ गया था। ओवैस के पिता मोहम्मद रफीक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि महिला के परिवार वाले अच्छे लोग हैं, हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है। मुझे मालूम है कि उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ FIR नहीं कराई है। लड़की के पिता मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि वह इस केस में मुझे पूरा समर्थन देंगे, पर पुलिस ने तारीफें और प्रमोशन बटोरने के लिए FIR दर्ज करा दी। उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी सरकार की ओर से पेश किए गए अध्यादेश के बाद राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी रोक दी। पुलिस ने शादी को रोकने के लिए नए अध्यादेश का हवाला दिया। यह शादी बुधवार को लखनऊ के पारा इलाके में हो रही थी। रस्में शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही पुलिस विवाह स्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को अपने साथ पुलिस थाने चलने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक थाने में दोनों पक्षों से शादी के पहले लखनऊ के जिलाधिकारी से मंजूरी लेने के लिए कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में न्यूनतम मजदूरी पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी कम रही है। पूरी दुनिया का औसत न्यूनतम मासिक वेतन करीब 9,720 रुपए ठहरता है, वहीं भारत के लिए ये 4,300 रुपए आता है। इसी तरह पाकिस्तान में ये 9,820 रुपए, नेपाल में 7,920 रुपए, श्रीलंका में 4,940 रुपए और चीन में 7,060 रुपए है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत में लगे पहले और दूसरे फेज के लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद होने की वजह से मजदूरों को कोई भी दिहाड़ी नहीं दी गई। 40 दिन तक चले शुरुआती फेज के लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के वेतन में औसतन 22.6% की कमी आई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में NDA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने इसमें कहा है कि सजायाफ्ता नेता के ताउम्र चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगनी चाहिए। दरअसल सरकार ने ये बात उस जनहित याचिका का विरोध करते हुए कही, जिसमें गंभीर अपराधों में सजायाफ्ता राजनेताओं के ताउम्र चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग उठाई गई थी। मौजूदा समय में किसी मामले में दोषी पाए गए राजनेता को सजा सुनाए जाने के बाद से 6 साल तक के लिए डिस्क्वालिफाइड यानी अयोग्य मान लिया जाता है। चंद साल पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस बैन को हटाने का समर्थन किया था। भारत में एक दिन में 36,594 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 540 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 95,71,000 के पार हो गया है और मृतकों की कुल संख्या 1,39,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,16,000 से अधिक हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में गुरुवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। ये अमेरिका में महामारी शुरू होने के बाद से लेकर अब तक सर्वाधिक आंकड़ा है।
इस दौरान कोरोना की वजह से 2,907 लोगों की जान भी गई, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,00,000 के करीब पहुंच गया, जबकि अब तक वायरस की वजह से 2,73,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भी 83,00,000 से अधिक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच आज यानी 4 दिसंबर को कैनबरा के मानुका ओवल मैदान पर खेला जाना है। T20 में भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड शानदार है। इस फॉर्मेट में उसने पिछले 1 साल से 1 भी मैच नहीं गमाया है। बता दें, इससे पहले हुई एक दिवसीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हरा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।